मोदी का चंदा बंद हो गया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार को जबरदस्त झटका लगा है। झटका भी ऐसा कि मानो जैसे किसी ने मोदी की दुखती रग दबा दी हो। आप सब जानते हैं कि चुनाव में किस तरह से ब्लैक मनी यानी कि चोरी के पैसे का इस्तेमाल होता है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐसा फैसला सुनाया जिससे चुनाव में चोरी के पैसे का इस्तेमाल बंद हो सकता है और इसका सबसे ज़्यादा असर नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी यानी बीजेपी पर ही पड़ने वाला है। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों को चंदे के तौर पर मिलने वाले इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक करार देते हुए उस पर रोक लगा दी। चुनावी साल में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी चंदे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अब भारत में राजनीतिक पार्टियां इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए चंदा नहीं ले पाएंगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड असल में गैर संवैधानिक है। The anonymity of the contributor is intrinsic to the electoral bond scheme. The electoral bond scheme is not distinguishable from other modes of contributions through banking channels such as checks, transfer through the electronic clearing system. Or direct debit if the anonymity component of the stream is struck down. Thus, the electoral bond scheme 2018 will have to be struck down as unconstitutional. सर्वोच्च अदालत ने कहा कि चुनावी बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले की जानकारी आरटीआई के जरिए नहीं मांगी जा सकती थी। इसे आरटीआई कानून से बाहर रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई को निर्देश देते हुए कहा है कि 2019 से लेकर अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी 3 हफ्ते के भीतर चुनाव आयोग को सौंपे और चुनाव आयोग को ये सारी जानकारी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश करनी होगी। यानी अब ये पता चल सकेगा कि किस पार्टी को किस आदमी या कॉरपोरेट हाउस ने कितना पैसा दान में दिया है। इस फैसले का सबसे ज्यादा असर बीजेपी पर ही पड़ने वाला है क्योंकि बीजेपी को ही सबसे ज्यादा चंदा मिलता रहा है। दरअसल कोई भी राजनीतिक पार्टी कैश में सिर्फ 2,000 रुपए से ज्यादा का डोनेशन नहीं ले सकती। वो सिर्फ मैक्सिमम 2,000 रुपए तक का ही डोनेशन ले सकती है और इस डोनेशन का भी हिसाब किताब रखना पड़ता है, उसकी रिसीट बनानी पड़ती है। लेकिन 2017 में मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड को शुरू किया था जिसके जरिए लाखों करोड़ों रुपए का चंदा पार्टियों को मिल सकता था और उसकी कोई लेखा पड़ी भी नहीं होती थी किसने दिया। पहले आप ये समझिए कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड आखिर होता क्या है ताकि आपको समझ में आ सके कि आज का ये फैसला इतना अहम क्यों हो जाता है। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह की बैंक गारंटी होती है। कोई भी व्यक्ति SBI से 100 रुपए, 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख और 1 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है और इसे अपना नाम बताए बिना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दान में दे सकता है। जिस पार्टी को ये बॉन्ड मिला है उसे वो बैंक में जमा करके उतने ही मूल्य का पैसा ले सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में दान देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाता है और इसे RTI के कानून से भी बाहर रखा गया था। इलेक्टोरल बॉन्ड 2017 में शुरू हुआ था लेकिन अब इसे रद्द कर दिया गया है। अब जरा सोचिए नेताओं के लिए ये सिस्टम कितना शानदार है, कितना आरामदायक है। अगर किसी का कोई काम करवाना हो या किसी से रिश्वत लेनी हो, किसी से कोई इस तरह की डील करनी हो तो वो उस आदमी से कह सकते हैं कि इतने करोड़ के बॉन्ड पार्टी में जमा करा दो। अब इन्हीं बॉन्ड के जरिए पार्टी बैंक से पैसा ले लेगी, ये पैसा ब्लैक मनी भी नहीं कहलाएगा और पार्टी के पास फंड भी आ जाएगा। यानी ये फंड आने के साथ साथ देने वाले का नाम भी सामने नहीं लाएगा, गोपनीय उसका नाम रखा जाएगा। यानी दोनों तरह से ये इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा लेन देन किया जा सकता है, उसकी इसकी गुंजाइश है और इसके दुरुपयोग की भी काफ़ी संभावनाएं थी। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई के दौरान ADR से जो वकील हैं उन्होंने प्रशांत भूषण, उन्होंने इसे रिश्वत करार दिया। उन्होंने कोर्ट में कहा कि दरअसल ये सीधे सीधे रिश्वत है कि कोई भी इस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद सकता है और पार्टी को दे सकता है जिसे वो अपना काम आसानी से करवा सके। इसे साबित करने के लिए भूषण ने ADR के हवाले से एक रिपोर्ट भी कोर्ट में दाखिल की जिसमें पिछले 5 सालों में राजनीतिक दलों को मिले चंदे के बारे में विस्तार से बताया गया था। मैं आपको आंकड़े बताता हूं कि कितना बड़ा अमाउंट जो है वो बीजेपी को मिला है। उसे समझने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आज का फैसला इतना अहम क्यों है। ADR के मुताबिक 2017 से 2022 तक यानी बीते 5 सालों में इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी को 5,271.97 करोड़ रुपए मिले थे। यानी करीब 5,300 करोड़ रुपए बीजेपी को डोनेशन के रूप में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए मिले थे। ये सबसे ज़्यादा चंदा है जो किसी पार्टी को मिला है। यानी बीजेपी सबसे ज़्यादा पैसा डोनेशन में इस इलेक्टोरल बॉन्ड से जुटा चुकी है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही जिसको इस दौरान इलेक्टोरल बॉन्ड से 952 करोड़ रुपए का डोनेशन मिला। ये एक बड़ा अमाउंट है कांग्रेस को, लेकिन जब आप कांग्रेस उसका बीजेपी का देखेंगे तो वो
5,000 करोड़ से ज्यादा का डोनेशन बीते 5 साल में जुटा पाई। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस इलेक्टोरल बॉन्ड से 767.88 करोड़ रुपए, नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी 662 करोड़ रुपए, स्टालिन की पार्टी डीएमके 431 करोड़ रुपए, केसीआर की पार्टी बीआरएस को 383 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले, वाईएसआर को 330, टीडीपी को 112 और शिवसेना को 101 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए डोनेशन मिला। कितना बड़ा अमाउंट है आप इसका अंदाजा लगाइए, यानी अरबों खरबों रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए पार्टियों को मिल रहा था। और इसकी कोई किसने दिया है इसकी कोई जानकारी किसी को नहीं, आप आरटीआई के जरिए जानकारी भी नहीं मांग सकते। उससे भी इस कानून में इलेक्टोरल बॉन्ड को बाहर रखा था। बीजेपी इसमें सबसे आगे थी, सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली पार्टी बीजेपी को अब सबसे ज्यादा नुकसान भी उठाना होगा। बीजेपी वाले अब इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा नहीं जुटा पाएंगे, जिसका मतलब ये है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पैसों की किल्लत हो सकती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि मोदी का चंदा बंद हो गया। चुनावी बॉन्ड के जरिए कौन सा पैसा जमा कर रहा है, कौन कितना पैसा जमा कर रहा है, किस पार्टी के लिए जमा कर रहा है, ये सूचना जाहिर ही नहीं होती थी, इसका किसी को पता ही नहीं चलता था। और इस पर आरटीआई लगाने पर ये कहा जाता था कि ये सूचना नागरिकों को सार्वजनिक नहीं की जा सकती, यानी इसको बताया नहीं जा सकता, इसलिए इसे सीधे सीधे हेरा फेरी या रिश्वत का पैसा भी कहा जा रहा था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगा दिया है। इस इलेक्टोरल बॉन्ड को कोई भी खरीद सकता था, बड़ी मजेदार बात है कि इसे कोई भी खरीद सकता था। इन बॉन्ड्स को भारत का कोई भी नागरिक, कंपनी या फिर कोई संस्था चुनावी चंदे के रूप में खरीद सकती थी और फिर इसे बॉन्ड को आप पार्टी को दे सकते थे। ये बॉन्ड 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1,00,000 और 1 करोड़ रुपये तक के हो सकते थे। देश का कोई भी नागरिक किसी भी राजनीतिक पार्टी को चंदा देना चाहता तो उसे SBI से चुनावी बॉन्ड खरीदना पड़ता और अपनी पसंदीदा पार्टी को वो देना होता था, और बस इतने से ही पैसे पार्टी के हो जाते थे। लेकिन अब पार्टियों के लिए ऐसा करना मुश्किल हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि SBI तुरंत चुनावी बॉन्ड बेचना बंद करे, SBI अब तक बेचे सारे चुनावी बॉन्ड्स की जानकारी इलेक्शन कमीशन को दे और इलेक्शन कमीशन उसे अपनी वेबसाइट पर साझा करे, SBI को 3 हफ्ते के भीतर बॉन्ड खरीदने वाले की जानकारी और खरीदे गए बॉन्ड के मूल्य के बारे में बताना होगा। यानी ये जानकारी अब जनता के सामने होगी, इससे पहले लोगों को पता ही नहीं चला कि हजारों करोड़ रुपए किसने दिए हैं पार्टियों को, यानी पार्टियों में कैसे बंदरबांट हो रही थी पैसों की और उस पैसे का क्या इस्तेमाल होता होगा, ये आप बेहतर जानते हैं। आप सब जानते हैं कि चुनाव में पैसों का खूब इस्तेमाल होता है, अक्सर बड़े बड़े कॉरपोरेट भी अपनी मनपसंद सरकार बनाने के लिए, उसको चुनाव जितवाने के लिए पार्टी को वो खूब चंदा देते हैं ताकि वो अपने मन मुताबिक सरकारी नीतियाँ बनवा सके या इलेक्शन को प्रभावित कर सके। इसी कड़ी में तमाम फर्जी कंपनियां बनाकर अरबों खरबों का चंदा भी चहेती पार्टियों को दिया जाता है, जिससे इलेक्शन को प्रभावित किया जा सकता है और चुनाव में वोटों को खरीदने से लेकर तमाम तरीके के गलत कदम उठाए जा सकते हैं। लेकिन अब इलेक्टोरल बॉन्ड पर पाबंदी लगने के बाद कहीं ना कहीं चुनाव में गलत तरीके से कमाए गए धन के उपयोग पर पाबंदी लग सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से निष्पक्ष चुनाव कराने में मदद मिल सकती है। हालांकि चुनाव में पैसा जुटाने के हजारों तरीके होते हैं और पार्टियां किसी ना किसी तरीके से पैसा कमा ही लेंगी और उसका इस्तेमाल भी चुनाव में होगा ही, लेकिन ये भी जरूरी है कि कम से कम लोकतंत्र में स्वतंत्र एजेंसियां तो अपना काम ईमानदारी से करें ताकि हमारी लोकतंत्र में आस्था बनी रहे। बीजेपी वालों को जरूर इस फैसले से निराशा हो रही होगी, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के पास क्या पैसों की कमी होती है, इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो अभी रोक लग गई है, बैन लग गया है, उससे बीजेपी को नुकसान होगा या चुनाव में कहें कि धन का उपयोग कम होगा, उस पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा काम पसंद है तो आप हमारी मदद भी कर सकते हैं। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YESB0000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली।
आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।